किस राशि पर रहती है ग्रहों के राजा सूर्य की कृपा? किन लोगों को तरक्की और शोहरत देते हैं सूर्य? किन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं सूर्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की। जी हाँ, आज हम मयंक जी से जानेंगे आखिरकार सिंह राशि के जातकों पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, किस ग्रह के कारण आखिरकार वो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ तरक्की पाते हैं बल्कि उन्हें शोहरत भी मिलती है और धन धान्य यानी कि दौलत भी मिलती है, और किस ग्रह के प्रभाव से उनका स्वभाव भी मिलता है, क्या किस प्रकार की परेशानियां उन्हें जिंदगी में देखनी पड़ती है, और आर्थिक पक्ष के मामले में सिंह राशि वाले जातकों का जीवन कैसा रहता है, मयंक जी से जानेंगे। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सिंह राशि वाले जातकों के बारे में, आखिरकार इन पर किस इनके स्वामी का ग्रह कौन सा होता है? देखिए, सिंह राशि जो अपने आप में बड़ी पावरफुल राशि मानी गई है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य जो कि तेज है, प्रताप है, राजसत्ता का कारक माना गया है। सूर्य को ज्योतिष में कहना चाहिए राजा का दर्जा है, और सूर्य अगर आपका मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत है, यानी कि सूर्य के मजबूत होने से आपको राजशाही योग कुंडली में आपके बन जाता है, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी का योग बनता है अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, सिंह राशि का बैठा हो, स्वराशि का या धनु राशि का हो, तो विशेष लाभ होता है कविता जी, व्यक्ति जो है उच्च पद की प्राप्ति करता है। इन तीन राशियों में सूर्य जो है सबसे ज़्यादा सुफल देते हैं, और सूर्य जब तुला राशि में चले जाते हैं जिसके स्वामी शुक्र है, तो वहाँ नीच के माने जाते हैं, और वहाँ पर इन कहते हैं कि इनका जो फल होता है वो अशुभ फल माना गया है। तो ये इस तरीके से सूर्य जो है अपने आप में, जैसे हमने बोला कि बड़ा स्वाभिमानी ग्रह होता है, सूर्य से ग्रहों के राजा कहलाते हैं, ग्रहों के राजा है। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ते हैं और डोमिनेट करना पसंद करते हैं। डोमिनेट का मतलब यही नहीं कि हर समय अपनी बात को मनवाना, लेकिन समाज पर, सोसाइटी पर, देश दुनिया पर राज करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने देखा है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति, सिंह लगन वाले व्यक्ति राजनीति में शिखर में जाते हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पद पर जाते हैं, चाहे IAS हो, PCS हो, यहाँ पर ये उच्च पद पर देखे गए हैं। सिंह राशि वाले जो हैं काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, बड़े रोमांटिक भी होते हैं सिंह राशि वाले, लेकिन कभी कभी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि शेर के समान जब इनको गुस्सा आता है तो इनको फिर संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और गुस्सा उनको उतरने में भी काफ़ी समय लगता है। गलत बात इनको बर्दाश्त नहीं होती है, कोई इनसे झूठ बोले ये भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये सिंह राशि की खासियत होती है। देखिए, हमने देखा है कि सिंह राशि वाले शारीरिक रूप से बड़े बलवान होते हैं, शेर के माफिक ये दिन भर अपना कार्य करते रहते हैं और ऊर्जावान रहते हैं, यानी कि इनका ऊर्जा, इनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। ये लोग थकते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे से नहीं पता चलता कि इनको थकावट है या इनको कोई परेशानी है जी। तो सूर्य के प्रभाव के कारण सिंह राशि वाले जो हैं बहुत ही तेज, प्रताप और प्रभावशाली वक्ता भी देखे गए हैं, और अपना कार्य करवाने में, अपना काम करवाने में ये लोग माहिर होते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से जो सिंह राशि होता है उनका सूर्य से कनेक्शन होता है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। और देखिए ना, जैसे मयंक जी ने आपको बताया है कि ये तो देखा जाता है कि प्रत्येक ग्रह की दो दो राशियाँ होती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे से ग्रह होते हैं जिनकी एक ही राशि बनती है, और जिसमें सूर्य की सिर्फ एक राशि है, वो है सिंह। और सूर्य से प्रभावित ही सिंह राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे इनकी शारीरिक बनावट होती है, अब बारी आती है कि भाई आखिरकार इन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि जो कि सूर्य से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में सूर्य की शत्रु राशियाँ कौन सी कहलाई जाती है, सूर्य की मित्र राशियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, सूर्य से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनको जीवन के शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है कविता जी, और 25-26 वर्ष की आयु के बाद ये जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं। अधिकतर देखा है कि जिनका मूलांक एक है, या जिनकी सिंह राशि है, या जिनका सिंह लगन है, जिनकी कुंडली में सूर्य योग कारक है, उच्च का है, या स्वराशि का है, तो ये व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में धन अर्जित करते हैं, व्यापारी होते हैं या फिर सरकारी नौकर होते हैं, और सरकारी नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस में भी ये लोग देखे गए हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी काम जो हिम्मत वाला काम है, बल, जिसमें बल का प्रयोग हो, वो काम
करना ये पसंद करते हैं और उसी प्रोफेशन में भी इनको जाना चाहिए तो बहुत अच्छा इनके लिए रहता है। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों की जो हम राशियों की बात करें, इनकी मेष राशि इनकी मित्र मानी गई है, परम धनु राशि मित्र मानी गई है जी। और कुंभ राशि के साथ भी इनका तालमेल जो है बड़ा अच्छा बन जाता है, शनि की राशि हालांकि, लेकिन हमने जो देखा है कि जिन राशियों के साथ इनका तालमेल उतना बेहतर नहीं रहता है। तो देखिए इनकी अगर हम कुंडली में बात करें तो इनका कर्क राशि वालों के साथ उतना अच्छा तालमेल नहीं रहता है, इनका वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ तालमेल जो है उतना बेहतर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता है इन दोनों के स्वभाव में। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए जब भी ये लाइफ पार्टनर चुने या बिजनेस पार्टनर चुने, तो इन चीज़ों का, इन राशियों का ध्यान रखेंगे तो इनको अपने चीज़ें आगे बढ़ाने में परेशानी नहीं होगी। मैं जी अगर बात करें हम इनके संबंधों को लेकर, तो रिश्तों को लेकर ये लोग कैसे होते हैं? देखिए रिश्तों में ये लोग बड़े मजबूत होते हैं और आमतौर पर कहना चाहिए इनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है, तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी रहती है क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है और ये सिंह लगन या सिंह राशि वाले के जीवन साथी भी क्रोधी स्वभाव के ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में, पति पत्नी में हमेशा क्लैश बना रहता है, ईगो की समस्या रहती है, एक दूसरे को लेके वाद विवाद बनता रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो इन राशियों वालों को कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, अगर लव मैरिज भी करते हैं तो कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि अगर कोई समस्या है तो उसका उपाय पहले ही करा लेंगे तो ये इनके लिए बड़ा बेहतर रहता है, अन्यथा परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। आमतौर पर हमने इनका देखा है तो सेहत संबंधी समस्याएं हालांकि इनको कम ही होती हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो हड्डी संबंधी रोग होते हैं, या शनि कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि शनि छठे भाव का कारक है आपकी कुंडली में, तो पेट संबंधी रोग, एसिडिटी के रोग इनको परेशान करते हैं, इस तरह की समस्याओं से इनको दो चार होना पड़ता है। आमतौर पर आपका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इनकी शारीरिक बनावट जो है बड़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे देखे गए हैं, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, हर कोई इनकी व्यक्तित्व से प्रभावित जल्दी हो जाता है, इनका आकर्षण इनके अंदर गजब का होता है, वाणी इनकी बड़ी प्रभावशाली होती है, जो लोग इनको सुनते हैं वो इनके कायल हो जाते हैं और जब ये बोलते हैं तो दुनिया इनको देखना और सुनना पसंद करती है, दुनिया पर राज करने के लिए ये लोग आए हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए अब सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोगों का फाइनेंशियली आप लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, इनका बैंक बैलेंस अगर देखा जाए तो कैसा रहता है पूरी जिंदगी? देखिए जीवन में 28 वर्ष की आयु के बाद अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं रहती है, किसी तरह की कोई परेशानी इनको नहीं रहती है और आमतौर पर इनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, पूर्ण सुख इनकी कुंडली में है, विलासतापूर्ण इनका जीवन रहता है, राजा समान इनका राजशाही ठाट इनके देखे गए हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्या इनको जीवन में नहीं रहती है, किसी तरह की परेशानियों का कोई विशेष सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए तो ये आज हमने मैंग जी से जाना है कि भाई किस प्रकार से सूर्य से प्रभावित सिंह राशि होती है और सूर्य के कारण ही, सूर्य के तेज से ही सिंह राशि वाले जातकों को जिंदगी भर दौलत शोहरत हर चीज़ मिलती है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इसके साथ साथ अगर आपको मैंग जी से कुछ भी जानना है, पूछना है, अपनी कुंडली दिखानी है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त, नमस्कार।